हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है शुभम ट्यूटोरियल्स में। आज हमने ये केक की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। प्लीज़ आप इसे हमारे वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये जितनी टेस्टी लग रही है जितनी अच्छी लग रही है देखने में, उतनी ही टेस्टी लगेगी ये खाने में। आप अगर ये अपने घर पर एक बार ट्राई करेंगे तो आप बाहर का केक खाना भूल जाएंगे। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमने ये रेसिपी कैसे बनाई है। यहाँ पर मैंने 5 पैकेट बिस्किट लिया है हैप्पी हैप्पी वाला, और फिर मैंने लिया है ये थोड़ा सा बेकिंग सोडा 1 चम्मच। यहाँ पर मैंने लिया है ये चीनी, पीसी हुई चीनी है ये, और ये मैंने लिया है नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर दूध लिया है। ये ज़्यादा ना गर्म होगा ना ठंडा। अब हम बिस्किट्स के पैकेट को खोल करके बिस्किट को क्रश कर लेंगे पूरा, और फिर हम इसे मिक्सर में पीस देंगे। देखिए, अब हमने सारे के सारे बिस्किट को क्रश कर लिया है। अब मैं इसे मिक्सर के जार में पीस देंगे इसे अच्छी तरीके से। ये मैंने बड़ा वाला मिक्सर लिया है, उसमें वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा तो 1-2-3 बार में ही हमारे सारे के सारे 5 पैकेट वाले बिस्किट पिसा जाएंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए, अब हमने ये सारे के सारे बिस्किट को पीस लिया है मिक्सर में। ये मैंने 5 हैप्पी हैप्पी बिस्किट था, मैंने उसे पीस लिया, और ये मैंने 2 पैकेट पार्ले जी बिस्किट लिया है, क्योंकि मैं दोनों को मिक्स करके बनाऊंगी। आप चाहे तो एक ही बिस्किट से भी बना सकते हैं। तो अब हम बैटर बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैं सारे के सारे वो जो मैंने बिस्किट पीसे थे उन सबको एक ही में मिला लूँगी, और फिर मैं इसमें, वैसे तो बिस्किट में चीनी होता ही है, लेकिन मैं इसमें 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ थोड़ा और मिठास लाने के लिए, क्योंकि केक जितना मीठा होता है उतना ही अच्छा लगता है खाने में। अगर आप चाहे तो अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ये मैं डालूँगी 1 चम्मच बेकिंग सोडा, उससे केक अच्छा फ्रेगमेंट होगा और अच्छा फूलेगा वो अच्छी तरीके से। अब मैं ये सबको मिला दूँगी। बिना दूध डाले ही पहले हमें शक्कर और बेकिंग सोडा को अच्छी तरीके से मिलाना है, फिर हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके मिलाना शुरू करेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे। एक ही साथ हमें नहीं डालना है, वरना इसमें गुठलियाँ पड़ने लगेगी तो केक हमारा अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो पाएगा। हमें इसमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही दूध डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है, और दूध हमने रूम टेम्परेचर पर लिया था, ज़्यादा ना गर्म लिया था ना ही ज़्यादा ठंडा। तो देखिए, अब हमारा केक का बैटर अच्छी तरीके से बन करके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं एक ही तार में गिर रहा है। हमारे केक की कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए कि वो एक ही तार में गिरे, और हमने इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाया था। अलग अलग डायरेक्शन में घुमाएंगे तो हमारा केक अच्छी तरीके से हम उसे फेंट नहीं पाएंगे, उस बहुत मुश्किल होगी उसे फेंटने में। तो अब हम इसे बेक करने के लिए रखेंगे। तो मैंने ये दूसरा बर्तन लिया है, उसमें मैंने घी से ग्रीस कर लिया था पूरा अच्छी तरीके से। हम इसे बिना बटर पेपर के बना रहे हैं, तो मैं इस पर थोड़ा सा मैदा लगा दूंगी, उससे केक हमारा इस बर्तन में चिपकेगा नहीं। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर से भी बना सकते हैं। हमने इसे अच्छी तरीके से घुमा करके मैदा पूरा फैला दिया था बर्तन में। अब हम केक के जो बैटर बनाया था हमने उसमें, वो हम इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास सिंपल पेपर भी हो तो आप उसमें भी घी लगा करके डाल सकते हैं बटर केक को, बटर पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको उसमें। तो देखिए, हमारा केक पूरा बैटर हमने निकाल लिया है जिसमें हम बेक करने वाले हैं। अब हम इसे थोड़ा सा टैप करेंगे। टैप किया था ताकि हमारा सारा का सारा केक जो है एक ही लाइन में हो जाए, अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो चलिए, अब हम इसे बेक करना शुरू करते हैं। अब मैंने ये इडली के साँचे में नमक गर्म करने के लिए रखा है, हम इडली के साँचे में बना रहे हैं। अब इसे हम गर्म करने के लिए रख देंगे नमक को। तो देखिए, अब हमारा नमक गर्म हो चुका है अच्छी तरीके से। हमने इसे 5 मिनट के लिए गर्म किया था। अब हमने जो केक का बैटर हमने जो बनाया था, अब हम उसे बेक करने के लिए इसमें रख देंगे इसे अच्छी तरीके से हम, और फिर इसे 30 मिनट तक हमें लो फ्लेम पर हमें अच्छी तरीके से इसे बेक होने देना है। तो अब हमारा आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसे चेक करेंगे कि हमारा केक अच्छी तरीके से हुआ है कि नहीं। तो मैंने ये टूथपिक डाला इसके अंदर, तो आप देख सकते हैं अभी तक इसके अंदर आ ही रहा है लेयर केक का। तो अभी मैं इसे 10 मिनट के लिए कम से कम वापस से लो फ्लेम पर इसे अच्छी तरीके से पकने देंगे।
हमारा 10 मिनट हो चुका है, अब मैं इसे चेक कर रही हूँ तो देखिए हमारा ज़रा भी निकल नहीं रहा है, मतलब हमारा अच्छी तरीके से केक बेक हो चुका है। अब मैं इसे निकाल दूँगी और ठंडा होने के लिए हम इसे रख देंगे थोड़ी देर। तो देखिए अभी हमारा ये केक अच्छी तरीके से बेक हो चुका है, निकल चुका है, ठंडा हो चुका है। ये ऊपर से जो हमने मैदा लगा था ये हमने निकाल दिया है नाइफ से। ये देखिए ऊपर का शेप है, ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अभी हम इसको सजाएंगे, डेकोरेट करेंगे अच्छी तरीके से। पहले इसके जो ऊपर का ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लेयर है उसे हम निकाल लेंगे और फिर हम डेकोरेट करना शुरू करेंगे। यहाँ पर हमने क्रीम बनाने के लिए ये कैडबरी लिया है, डेयरी मिल्क लिया है। आप कोई भी क्रीम बनाने के लिए कोई भी कैडबरी ले सकते हैं, डार्क चॉकलेट या फिर फैंटेसी कुछ भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैंने ये गर्म पानी में इसे अच्छी तरीके से पिघलाया है, गर्म पानी में ये जल्दी पिघलेगा इसीलिए हमने गर्म पानी में पिघलाया है। इसमें मैं 1 चम्मच थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ कि ये जल्दी पिघल जाएगा और दूध से टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा हम लोग के क्रीम का। फिर हम इसे अच्छी तरीके से दूध और चॉकलेट को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अभी हमारा ये चॉकलेट गनाज अच्छी तरीके से बन करके तैयार हो चुका है। इसे हमने गर्म पानी में ही अच्छी तरीके से मिक्स किया था तो जल्दी मिक्स हो गया और इसकी कंसिस्टेंसी एकदम ऐसी ही होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने ये शुगर सिरप लिया है, शुगर और पानी को मैंने मिलाया था, गर्म पानी में हमने इसे मिलाया था। अब हम केक को डेकोरेट करना शुरू करेंगे। केक को हम 2 लेयर में कट करेंगे तो मैं इसको बीच में से एकदम नाइफ से थोड़ा सा काट रही हूँ और फिर हम इसे थ्रेड से बीच में काट देंगे। हम इसे ठंडा होने के बाद ही काट रहे हैं, गर्म होने पर काटेंगे तो ये कटा नहीं पाएगा अच्छी तरीके से और हमारा केक बिगड़ जाएगा। अगर आप नाइफ से काट सकते हैं तो अच्छी तरीके से तो आप काट दीजिएगा, लेकिन धागे से और बहुत ही अच्छी तरीके से कटता है, एक ही तार में कटता है, एक ही डायरेक्शन में और एक ही लाइन में कटता है, इसीलिए हम थ्रेड से काट रहे हैं। देखिए अभी हमारा ये थ्रेड कितनी अच्छी तरीके से और स्मूथली निकल चुका है। ये हमने नॉर्मल थ्रेड ही यूज़ किया है तो देखिए कितने अच्छी तरीके से पार्टीशन हो चुका है हमारे केक का। अब मैं इस नीचे वाले पार्ट पे मैं थोड़ा सा शुगर सिरप लगाऊंगी। ये देखिए दोनों पार्ट हमारा हो चुका है कितना अच्छी तरीके से रेडी। अब मैं इस पे शुगर सिरप लगा रही हूँ थोड़ा थोड़ा, तो उससे हम जो भी क्रीम लगाएंगे तो वो अच्छी तरीके से इस पर चिपक जाएगा। अभी मैं ये थोड़ा सा नीचे का क्रीम लगा रही हूँ ताकि हमारा केक अच्छी तरीके से बैठ जाए, वो हिले नहीं। मैंने शुगर सिरप केक में लगा दिया अच्छी तरीके से दोनों में और फिर हम इसके ऊपर से अब क्रीम लगाएंगे। ये हमारा नीचे वाला लेयर है केक का। हमने अपनी क्रीम की रेसिपी डाल दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। और फिर हम इसे पूरी तरीके से फ्लैट कर लेंगे। देखिए अभी हमने ये क्रीम पूरी तरीके से फ्लैट लगा लिया है इसके ऊपर। अब मैं ऊपर वाला लेयर का केक लगा दूंगी इसके ऊपर और फिर हम इसे भी सजा देंगे ऊपर वाले लेयर को अच्छी तरीके से। अब हम इसे साइड साइड से भी क्रीम लगा लेंगे अच्छी तरीके से, और अच्छी तरीके से लगा लेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा इस क्रीम का। और फिर हम ऊपर से ये चॉकलेट गेनाज जो हमने बनाया था वो हम डाल देंगे और इसे स्प्रेड कर लेंगे अच्छी तरीके से। पहले हम इसे ऐसे ही फ्रीली गिरने देंगे, इसको टच नहीं करेंगे थोड़ा भी, जब तक ये स्प्रेड नहीं हो जाता अपने आप, तब तक हम इसे घुमाते ही रहेंगे। जब ये अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जाएगा तो हम इसे फ्लैट कर देंगे अच्छे से। तो देखिए अभी हमने ये चॉकलेट गनाज को पूरा स्प्रेड कर लिया है तो नीचे ये अपने आप गिर रहा है ये अच्छी तरीके से, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, डिज़ाइन बना रही है अपने आप अच्छी तरीके से। अभी हम इसे बादाम हमने कद्दूकस किया था उसे हम डेकोरेट कर लेंगे, इसको साइड साइड से अच्छी तरीके से पूरा घुमा लेंगे और हम पूरे केक में बादाम से डेकोरेट कर लेंगे हम। अभी हम इसे कैडबरी से थोड़ा कद्दूकस करके इसमें बीच बीच में से हम लोग डाल देंगे। हमने बादाम को पूरा डाल दिया है कद्दूकस करके और ये हम थोड़ा बीच में चॉकलेट से हम लोग कद्दूकस करके डाल रहे हैं तो उससे केक अच्छा लगेगा देखने में और टेस्टी भी लगेगा। तो देखिए अभी हमने ये पूरा डेकोरेट कर लिया है केक को, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, कितना टेस्टी लग रहा है ये।
आप इसे घर पर अपने ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार तो। हम और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।